Hello everyone, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से हैं। इस वीडियो का मकसद, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई है, काफ़ी लोग काफ़ी कीमती जाने जा चुकी हैं और जो लोग हैं वो घरों तक महदूद हो चुके हैं। और उम्मीद है कि आप लोग जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो आप लोगों की गवर्नमेंट से आपको जो कह रही है कि आप लोग घरों तक महदूद हो जाएँ, गैर ज़रूरी बाहर का आना जाना ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, छींक आए या खांसी आए अपने चेहरे को ढांप लिया करें और जो कि घरों को साफ़ रखें। तो ये है वो रूटीन की बातें हैं जो हमारे मज़हब में भी आती रही हैं और उसके अलावा एक बीइंग ह्यूमन हमें इन चीज़ों की एक समझ होनी चाहिए और जो कि हमें कुदरत आज समझा रही है। और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि बहुत सी अच्छी बात यह है कि हम लोगों को अभी हमारे पास वक्त ही वक्त है और इस वक्त के दौरान हम लोग बहुत सी जो ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, जैसे अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपने फैमिली के साथ हमें टाइम गुजारने का मौका मिला है। उस दौरान बच्चों की आप बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ और पढ़ाने का तरीका भी ऐसा करें जिसमें खेल कूद शामिल हो, क्योंकि बच्चे उस तरीके से बेहतर सीखते हैं। और एडल्ट जो हैं वो भी मैं समझती हूँ कि ख्वातीन तो हमारी पहले से ही घरों में थी, लेकिन हमारे मर्द हजरात जो कि अभी घरों में बंद हैं तो उन एक डिप्रेशन का माहौल हो जाता है। तो उस डिप्रेशन को कम करने के लिए मैं समझती हूँ कि बेहतरीन और वाहिद हल ये है कि एक्सरसाइज करें। डिप्रेशन अगर आप पे आता है, आपकी परेशानियाँ, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से परेशान होते हैं लाइफ के हवाले से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चेंज आ गया है, तो मैं समझती हूँ कि उस जो डिप्रेशन आप पे आता है और आप उसको एग्जर्ट नहीं करते, कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उससे आपके जिस्म में भी मुख्तलिफ किस्म के दर्द वगैरह निकल सकते हैं। मुख्तलिफ दर्द की जो हमारे बॉडीज़ में जो दर्द होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही होती है कि हम लोग परेशानियों के बारे में सोचते हैं और उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो दर्द की सूरत में हमारे जिस्म में निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारे पट्टे दर्द करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा देर हम लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं। तो बैठने के बजाय आप लोग उठ खड़े हों घरों में, मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन तरीका है। घरों को साफ़ करने में भी आप लोगों की सोच जो है, आप लोग मसरूफ़ रहते हैं, यू नो, आप लोगों ने डस्टिंग वगैरह कर ली या कोई चीज़ें ठीक कर ली या साफ़ कर ली, साथ में यू नो एक्सरसाइज हो जाती है, कोई 10-20 कोई पुशअप्स लगा लिया करें बीच में, तो इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी फ़िटनेस भी हो जाती है। उसके अलावा आप बेहतरीन साफ़ सुथरे खाने पे सोचें समझें, चीनी लेना कम कर दें, सॉल्ट लेना कम कर दें, जो नमक हम लोग ज़्यादा खाते हैं खाने में, मिर्च वगैरह ज़्यादा कम कर दें जो हम लोग खाते हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा जो है घी वगैरह, अब ऑयल जो है हम लोग इतने इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ इतनी फ्राइड होती है, आप लोग देख लें कि कोई भी बर्तन जिसमें आप पकाते हैं उससे वो घी हटाना इतना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और या फिर वो जो ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है उसमें अगर घी वगैरह फंस जाए तो उससे सारे सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि जब हम लोग ये घी अपने बॉडी में डालते हैं खाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये हमारे जिस्म में वहीं पे रहता है, बॉडी में जम जाता है। तो उसको मैं समझती हूँ कि हम लोगों को ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहिए। हाँ, उसकी बेहतरीन रद्दबदल ये है कि आप लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। बैक टू, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये आपके बॉडी में जो पेन्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसको कम करने में मदद करती हैं, डिप्रेशन को कम करती हैं। तो साफ़ खाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और चीनी वगैरह लेना कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, सॉल्ट लेना कम रखें। इसके अलावा जो है आप लोग एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज को ना भूलिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके जिस्म में दर्द वगैरह ख़त्म होती हैं। हमारे जिस्म में एक इंडिकेशन के तौर पर ये दर्द वगैरह काम करते हैं, तो आप अपने जिस्म को रिलैक्स रखें। इस दौरान जो है मैं समझती हूँ लोग जो डिप्रेशन में हैं उनको अगर आप तमाम तरह हिफाजती इकदाम कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ें। थैंक यू। और मैं ये मेरा YouTube चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो एक्सरसाइज के बारे में आएंगी। थैंक यू।